नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको मूल्यांकन के क्षेत्र और महत्व के बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हैं कि मैं पेपर 9 के जो यूनिट फर्स्ट है उसके टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ। आज अपना टॉपिक है बच्चों मूल्यांकन के क्षेत्र और मूल्यांकन का महत्व। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों मूल्यांकन के क्षेत्रों की। तो मूल्यांकन के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन के सबसे पहले आता है आपका ज्ञान। मूल्यांकन जो है जिस बच्चे का किया जाता है उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया, ये मूल्यांकन के अंदर देखा जाता है कि बालक का ज्ञान कितना है, कितना ज्ञान बालक प्राप्त कर सकता है, इन सब का मूल्यांकन जो है वो किसमें किया जाता है, ज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मतलब मूल्यांकन के अंदर ज्ञान को देखा जाता है कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना चीजों को जाना, ये सब आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है बच्चों अवबोध। अवबोध का मतलब है कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसको कितना समझा, कितना अधिगम परिस्थितियों में उसको उपयोग किया, ये काम जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ और बच्चे ने उस ज्ञान का कितना अवबोध किया, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। फिर है सूचना। मूल्यांकन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि बालक ने कितनी सूचना प्राप्त करी है, जिन शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को अधिगम करवाया गया है, क्या वो सारी सूचनाएं बालक के पास पहुंच गई है, ये मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है बच्चों कुशलता। कुशलता का मतलब यही है कि मूल्यांकन के अंतर्गत जो भी अधिगम करवाया जा रहा है वो कितना प्रभावशाली रहा है, कितना बालक ने सीखा है, कितना वो उस काम में निपुण हुआ है, ये जो है आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन के अंतर्गत रुचियों का ध्यान में रखा जाता है कि बालक में किन किन रुचियों का विकास हुआ है, किन किन रुचियों का विकास किया जा सकता है, कौन कौन सी बालक में किन किन प्रकार की रुचियां हैं, ये सब आपके मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है बच्चों शारीरिक स्वास्थ्य। देखो बच्चों शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिगम की कठिनाइयों में सबसे बड़ा दिक्कत करता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अगर शारीरिक स्वास्थ्य बालक का ठीक है तो बच्चा अधिगम अच्छा कर पाता है, बालक में अधिगम की कठिनाइयां नहीं आती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य अगर बच्चे का अच्छा है तो शारीरिक स्वास्थ्य का भी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है और मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है प्रवृत्तियों। बालक के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, किन किन प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, सकारात्मक प्रवृत्तियां आ रही है या बालक में नकारात्मक प्रवृत्तियां आ रही है, मूल्य वृद्धि प्रवृत्तियां आ रही है या मूल्य निरपेक्ष प्रवृत्तियां आ रही है, समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन को समाज से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस प्रकार की प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण भी मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अभिवृत्तियां। अभिवृत्तियों का मतलब है दृष्टिकोण, उसमें किन किन दृष्टिकोणों का विकास हो पा रहा है, क्या वो सामाजिक गतिविधियों में रुचि ले रहा है, क्या वो नाटक करने में रुचि ले रहा है, क्या वो चित्र बना पा रहा है, क्या वो क्राफ्ट में रुचि ले रहा है, क्या वो साइंस प्रोजेक्ट बनाने में रुचि ले रहा है, तो इन अभिवृत्तियों का विकास करना और मूल्यों का विकास करना। देखो बच्चों मूल्यांकन का मेन उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, और बालक का सर्वांगीण विकास तभी किया जा सकता है जब उसमें मूल्य आए। बालक में किन किन मूल्यों का विकास हो रहा है, किन मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा है, इनको भी हम मूल्यांकन के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि का स्तर बालक का क्या है,
वो आप सब जानते हो बच्चों कि हम निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से भी बुद्धि का आकलन कर पाते हैं, कौन सा बच्चा अच्छी बुद्धि वाला है, कौन सा बालक मंद बुद्धि वाला है, कौन सा बालक औसत है, इन सब का ज्ञान हम मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं कि बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, जो बुद्धि लब्धि जिसका सूत्र जो है टर्मन ने प्रस्तुत किया था। तो बुद्धि के मापन करने का जो कार्य है वो भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है बच्चों योग्यता, छात्र की योग्यता और क्षमता को मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है कि बालक में किन किन योग्यताओं का विकास हुआ है, किन किन योग्यताओं का विकास हो सकता है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, शिक्षकों के अनुभव के आधार पर छात्र की योग्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो मूल्यांकन के क्षेत्र में पहला है ज्ञान बालक का कितना है, दूसरा है अवबोध, बालक उन चीजों को कितना समझ रहा है, ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बालक को जो सूचनाएं दी गई है बालक उसमें से कितनी सूचनाओं को आत्मसात कर पा रहा है। कुशलता, बालक को जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको वो व्यवहारिक जीवन में कितनी कुशलता के साथ उपयोग कर पा रहा है, ये भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बालक में किन किन रुचियों का विकास हो रहा है, बालक में कौन सी रुचि है, उस रुचि का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मैंने आपको बताया कि बालक के शारीरिक स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि बिना अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बालक को अधिगमगी में कठिनाई अनुभव हो सकती है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां और मूल्य, जो भी बालक में प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, अभिवृत्तियों का विकास हो रहा है, मूल्यों का विकास हो रहा है, उन सब का भी मूल्यांकन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है, इसका आकलन भी हम मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं कि बच्चा औसत है, बच्चा मंद बुद्धि है, या बच्चा जड़ बुद्धि है, सृजनात्मक योग्यता रखता है, तो ये बुद्धि जो है संवेगात्मक बुद्धि बच्चे में अच्छी है, तो इन सब का पता हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं और बुद्धि भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होती है। फिर है छात्र की योग्यता और क्षमता का आकलन भी हम मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। तो ये आपने मूल्यांकन के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अब बात आती है बच्चों मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है, ये कोठारी शिक्षा आयोग ने भी कह दिया कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है मूल्यांकन। मूल्यांकन है जिसका NCERT ने भी कहा था कि जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है, किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, ये सब क्या है बच्चों, मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। मूल्यांकन के बिना छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, शिक्षण विधियों में किस प्रकार सुधार आ सकता है, इन सब के बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र को अगर सिखाना है, छात्र को अधिगम कराना है, तो उस बच्चे का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर शिक्षा को हमें गुणवत्तापूर्ण बनाना है, गुणवत्ता लानी है अगर शिक्षा में, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर किसी बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय देने हैं तो बच्चों हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन जो होता है उसमें रचनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं और योगात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन छात्र के व्यवहार को देखा जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में उसके अंकों के आधार पर उसकी ग्रेड निर्धारित होती है कि बालक किस प्रकार का है। तो मूल्यांकन के माध्यम से ही एक छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है, ये सब हम मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब आता है महत्व। तो पहला महत्व देखिए बच्चों, शिक्षण विधियों प्रविधियों की उपादेयता और कमजोरियों का पता लगाना। जिस शिक्षण विधि से बालक को पढ़ाया गया है उसकी क्या उपयोगिता है,
इसकी क्या कमजोरियां हैं, ये सब हम बच्चों मूल्यांकन के आधार पर ही बता सकते हैं। इसलिए शिक्षण विधियों और प्रविधियों की उपाध्यता और कमजोरियों का पता लगाने में मूल्यांकन का अपना ही एक महत्व है। नेक्स्ट है शिक्षण व्यूह रचना में सुधार। अब आपने देख लिया कि जिस शिक्षण विधि का आपने प्रयोग किया है वो कितनी उपयोगी है, क्या क्या उसमें कमजोरियां हैं, उसके आधार पर अपन आप लोग शिक्षण व्यूह रचना में क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षक ये देख पाता है कि उसे किस शिक्षण आदियों के द्वारा या किस शिक्षण कौशल के माध्यम से बालक को पढ़ाया जाए ताकि बालक अच्छा अधिगम कर सके। तो शिक्षण व्यूह रचना में सुधार करने में भी मूल्यांकन का अपना ही महत्व है। फिर आता है बच्चों पुनर्बलन का कार्य। पुनर्बलन फीडबैक देता है। आप सब जानते हैं छात्र ने अधिगम किया, अधिगम अनुभव शिक्षक के द्वारा दिए गए, फिर शैक्षिक अनुभव देने के बाद में जब उसका मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के आधार पर बच्चे को पुनर्बलन मिलता है कि उसने आज 100 में से 80 मार्क्स गेन करे हैं, तो उसको एक फीडबैक मिलता है और उसकी उस सब्जेक्ट में उस विषय वस्तु में उसकी क्या बन जाती है बच्चों, रुचि का विकास भी हो जाता है। तो रुचि का विकास करने में और पुनर्बलन का कार्य करता है मूल्यांकन के आधार पर। योगात्मक आकलन जब बच्चे का हमने किया उसके आधार पर बच्चे को क्या मिल जाता है, पुनर्बलन मिल जाता है। उसके बाद आता है उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक। अब आपने देखा कि जो आपने मूल्यांकन बच्चे का किया है उसमें कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब हम मूल्यांकन के आधार पर ही देखते हैं। तो उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई ये देखना काम है किसका, मूल्यांकन का। मूल्यांकन के आधार पर हम दे सकते हैं कि किन किन उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया, किन उद्देश्यों को आगे आने वाले समय में उन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा, किन किन उद्देश्यों पर फोकस किया जाएगा, ये सब हम मूल्यांकन के आधार पर ही देख पाते हैं। फिर है बच्चों उपचारात्मक अनुदेशन। अब आपने देखा कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए ये हमने मूल्यांकन के आधार पर देखा, तो उसके बाद हम उस बच्चे को उपचारात्मक अनुदेशन देते हैं कि आप अगर इस तरीके से अधिगम अनुभव प्राप्त करोगे तो आपको और अधिक क्या होगी, सफलता प्राप्त होगी। तो उपचारात्मक अनुदेशन जो है मूल्यांकन के माध्यम से दिए जा सकते हैं, इसीलिए मूल्यांकन का अपना ही एक महत्व है। फिर है परीक्षा प्रणाली में सुधार। आप सब जानते हैं बच्चों परंपरागत शिक्षण जो प्रणाली है वो निष्पत्ति परीक्षण पर जोर देती है, लेकिन जैसे 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 हमारी शिक्षा में सुधार हुआ आज हम मानदंड परीक्षाओं पर भी जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मूल्यांकन किया कि निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर ही किसी बच्चे का जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो सही अर्थों में मूल्यांकन नहीं है। तो आज की जो शिक्षा है जो CCE पर आधारित है, ग्रेडिंग सिस्टम पर जो आधारित की जा रही है, वो किसका परिणाम है बच्चों, वो परिणाम है आपके मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा प्रणाली में क्या होता है, सुधार होता है। उसके बाद है सर्वांगीण विकास। बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर दिया जाता है। किसमें? मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को भी देखा जाता है, बालक के क्रियात्मक पक्ष को भी देखा जाता है और बालक के भावनात्मक पक्ष को भी देखा जाता है। तो तीनों पक्षों पर हम जोर देते हैं, इसीलिए बालक के सर्वांगीण विकास करने में भी किसका योगदान है, आपके मूल्यांकन का योगदान है। इसके अलावा देखो पाठ्यक्रम में परिवर्तन का आधार। आप सब जानते हैं बच्चों कि आज जब हम पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे होते हैं तो उससे जिन शिक्षण उद्देश्यों को लेकर हमने पाठ्यक्रम पढ़ाया वो शैक्षिक उद्देश्य अगर प्राप्त नहीं हुआ तो हमें पाठ्यक्रम में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन।
हो सकता है छात्रों ने अधिगम इसलिए नहीं किया क्योंकि पाठ्यक्रम में क्या थी, कमियां थी। तो मूल्यांकन के आधार पर हम पता कर पाते हैं कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना है या नहीं करना है। तो परिवर्तन का जो आधार है वो क्या है बच्चों, मूल्यांकन। इसलिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन के आधार के रूप में मूल्यांकन का अपना ही एक क्या है बच्चों, महत्व है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को निर्धारित करना। आप सब जानते हो बच्चों, मूल्यांकन के आधार पर हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम होना चाहिए, आरटी अधिनियम आना चाहिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना होनी चाहिए थी, नई शिक्षा नीतियां आनी चाहिए थी, नए शैक्षिक अनुसंधान होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक मानक निर्धारित होने चाहिए, जैसे आपको पता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये किसका परिणाम था बच्चों, ये परिणाम था मूल्यांकन का। मूल्यांकन के आधार पर हमने समझा कि विद्यालय में हर बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, हर बच्चे का ठहराव नहीं हो पा रहा था, हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो हमने उसके आधार पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को निर्धारित किया। किसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर। फिर है बच्चों शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन का आधार। आप सब जानते हो बच्चों कि छात्र का स्तर, छात्र का मूल्य और छात्र का प्रभावशीलता का अध्ययन करता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के आधार पर जब हमने छात्र के स्तर को जान लिया, उसके स्तर के आधार पर हम उस बच्चे को शैक्षिक निर्देशन भी देते हैं और व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान करते हैं। तो बच्चे को जब हम शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देते हैं तो उसपे आधार कौन होता है, मूल्यांकन होता है, क्योंकि हमने उससे पहले छात्र का मूल्यांकन कर लिया, छात्र का स्तर जान लिया, छात्र की योग्यता जान ली, छात्र का ज्ञान जान लिया और छात्र का अवबोध जान लिया। उसके आधार पर हमने उसको शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया। उसके बाद आता है बच्चों स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित होना। मूल्यांकन के आधार पर एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। बालक समझने लग जाता है कि किन माध्यम से हम अधिगम को और अच्छा कर सकते हैं, हम दूसरे बालक से और अच्छा कर सकते हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होकर एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जो है वो मूल्यांकन के माध्यम से पैदा होती है। उसके बाद है विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। आप सब जानते हो कि छात्र जब कक्षा में पढ़ता है तो उसको कई अधिगम कठिनाइयां आती है। अधिगम कठिनाइयां आने के पीछे उसको आवश्यक सुविधाओं का न होना भी हो सकता है। शिक्षण में जिस शिक्षण विधि के माध्यम से बालक को पढ़ाया है वो भी क्या हो सकता है, बाधक हो सकता है। तो विकास में बाधक तत्वों की पहचान हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से हम कर सकते हैं कि बालक का जो सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण है। सामाजिक कारण है, या विद्यालयी वातावरण है, या कक्षा का वातावरण है, या शिक्षण कौशल है, या शिक्षण विधियां जिम्मेदार है। तो इन सब का पता जो हम लगाते हैं बच्चों वो किसके माध्यम से लगा पाते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से लगा पाते हैं। फिर है बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उसको शिक्षण प्रदान तभी किया जा सकता है जब हमने उन बच्चों का क्या कर लिया हो, मूल्यांकन कर लिया हो। तो इन सब आधारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का अपना ही एक महत्व है। तो पहला महत्व है शिक्षण विधियों प्रविधियों की उपाध्यता और कमजोरियों का पता लगाना, शिक्षण व्यूह रचना में सुधार करना, पुनर्बलन का कार्य करना, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई ये पता करना, उपचारात्मक अनुदेशन देना, परीक्षा प्रणाली में सुधार का आधार प्रस्तुत करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, पाठ्यक्रम में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को निर्धारित करना, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन का आधार प्रस्तुत करना,
स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बालक को शिक्षण प्रदान करना, ये सब मूल्यांकन का महत्व है बच्चों। तो आज हमने मूल्यांकन के चित्र और मूल्यांकन के महत्व के बारे में चर्चा की। आगे के वीडियोस में हम मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान, मापन और मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन और या आकलन के प्रकार, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें, ताकि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाती रहूं। और कब ये जो आपका पेपर नवम है, जिसकी फर्स्ट यूनिट है, उसको आपको समझना है, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें, और वीडियो में जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। धन्यवाद।